नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 19 का। ठीक है, लेक्चर नंबर 18 तक आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सर्फेसेस, यहाँ तक आपने काम कम्प्लीट कर लिया होगा। तो अब हम लोग लेंस थ्योरी में आगे बढ़ सकते हैं। तो लेंस थ्योरी में सबसे पहले समझते हैं लेंस क्या होता है उसके बारे में। लेंस इज नथिंग बट द ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम सराउंडेड बाय टू सर्फेसेस, एट लीस्ट वन ऑफ विच must be spherical or curved and the refractive index of the material should be different from its surrounding। मतलब यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है लेंस को समझने के लिए। पहली बात तो ये होगा कि लेंस जिस भी मटेरियल का बना हुआ हो, मटेरियल तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो ऑब्वियस है। तो जिस भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ हो, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसके सराउंडिंग में जो भी आपका मीडियम है उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे लास्ट में इंडिकेट किया हुआ है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम इट सराउंडिंग। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप मटेरियल ले रहे हो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और जो सराउंडिंग का, उसको आप जिस भी सराउंडिंग में यूज करेंगे उस सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दोनों सेम हो जाएगा। अगर सेम होगा तो फिर वहां पर आप लेंस का कोई मीनिंग नहीं आएगा, वहां लेंस डिफाइन कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो कहां कर सकते हैं? तो मटेरियल आपको ऐसा लेना है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसके सराउंडिंग से डिफरेंट हो। तो सराउंडिंग से अगर डिफरेंट हो गया, तो जैसे कि कांच का हो गया, कांच का आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नॉर्मली 3/2 होता है, जो कि सराउंडिंग, अगर एयर ले लीजिए, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, वाटर ले लीजिए, वाटर का 4/3 हो गया, सो डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कांच के लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, कांच के लेंस को डिफाइन कर सकते हो। तो ये कांच का लेंस होना कैसा चाहिए? तो ये कम से कम दो सरफेस से घिरा हुआ होना चाहिए, कम से कम दो सरफेस से घिरा हुआ होना चाहिए, और उसमें से भी जो एक सरफेस हो आपका, कम से कम वो आपका कर्व्ड जरूर होना चाहिए। ठीक है, मुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब स्फेरिकल होना चाहिए। दोनों अगर स्फेरिकल है नो प्रॉब्लम, या कम से कम एक तो स्फेरिकल होना ही चाहिए। तो ए लेंस इज नथिंग बट द ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम सराउंडेड बाय टू सर्फेसेस, दो सर्फेस से घिरा हुआ होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ विच, जिसमें से कम एक या फिर दोनों क्या हो, स्फेरिकल हो, या उसी को आप कर्व बोल सकते हैं। ओके, एंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। इन जनरल देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेंसेस। लेंस को अगर आप देखिए तो आपको जनरली दो काइंड के लेंस पढ़ने होते हैं। एक को आप कन्वेक्स कहेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पैरेलल आने वाली रे को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर मिला देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज थिकर इन द मिडल। इसको पहचानने का क्या तरीका होगा कि ये जो लेंस होगा ये बीच में मोटा होगा, किनारे में पतला होगा, बीच में मोटा होगा। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये चार तरह के कॉन्वेक्स लेंस आप देख सकते हो। जैसे ये देखिए, इधर भी कर्व्ड है, इधर भी कर्व्ड है, और बीच में देख सकते हैं कि ये मोटा हो गया है, किनारे में ऊपर और नीचे पतला है। इसको बाय कन्वेक्स या फिर डबल कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, क्योंकि इसके रेडियस जो होंगे R1 और R2 वो आप देख सकते हैं अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप चले तो ये इक्वी कन्वेक्स कहलाएगा, या फिर ये सिंपली कन्वेक्स लेंस भी आप बोल सकते हैं। इसमें दोनों तरफ के रेडियस क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक तरफ का रेडियस एकदम प्लेन हो, है ना, रेडियस मतलब इन्फिनाइट टेंड करेगा, सरफेस प्लेन हो। तो प्लेन सरफेस का रेडियस जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, और दूसरा सरफेस कर्व्ड रहा आपका, तो उसका रेडियस आर हो गया। ऐसे को नाम आपको देना है प्लेनो कन्वेक्स। और ऐसा भी हो सकता है कि इधर से भी सरफेस आपका कनकेव टाइप का रहा और इधर कन्वेक्स टाइप का, तो कनकेवो कन्वेक्स बोल सकते हैं। यह सब में जो पैरेलल रे आएगी वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सभी में जो पैरेलल रे आएगी तो रिफ्रेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर आकर के फिर मिल जाएगी, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस, ये दूसरा टाइप हो गया लेंस का, कॉनकेव एंड डाइवर्जिंग। तो इसमें क्या है, इट इज थिनर इन द मिडल, बीच में ये पतला होगा, देख सकते हैं किनारे में मोटा, बीच में पतला, इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ भी चार तरह के आपको कॉनकेव लेंस डिफाइन किए जा सकते हैं। इसको बाय कॉनकेव बोलेंगे जब रेडियस दोनों तरफ R1 R2 हो, अलग अलग हो R1 R2। जब सेम हो जाए तो आप इक्वी कॉनकेव बोल लो, या सिर्फ कॉनकेव लेंस भी कह सकते हो। सिर्फ कॉनकेव बोलेगा मतलब दोनों तरफ रेडियस सेम, एक तरफ प्लेन हो सकता है सरफेस और एक तरफ आपका आर रेडियस वाला कर्व्ड हो सकता है, तो प्लेनो कॉनकेव बोलना है। और ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से इधर से कन्वेक्स और दूसरी तरफ से कनकेव, तो R1 R2 अलग अलग रेडियस है, तो इसको आप कन्वेक्सो कॉनकेव बोलेंगे।
और इन कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होगी कि पैरेलल रे अगर आती है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, एक दूसरे से दूर फैलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग रे डायग्राम बना करके इस चीज को और क्लियर करके बताएंगे आपको। देखिए, मतलब ये रे अगर इस तरह से आई तो ये क्या होगा, ऐसे पैरेलल रे जो आ रही है ये क्या होगा, ऐसे कहीं ना कहीं जाकर के एक पॉइंट पर की ओर कन्वर्ज होगी। देखिए ऐसे करें, है ना, जहां पे कन्वर्ज होगी उसको फोकस कह सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी अगर पैरेलल रेज आती हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी एंड सो ऑन, इस तरह की बातें होंगी। यही बात इसमें भी होगा। सबके लिए फोकल लेंथ का कैलकुलेशन जो होगा वो हम अलग अलग आएगा, वो एक फॉर्मूले उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा और उस फॉर्मूला के हिसाब से आएगा। बट इन सब का ओवरऑल नेचर यही रहेगा कि पैरेलल रे जो आएगी वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। तो इस तरह से वो, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को आप फोकस नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। खैर, डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा, तो पैरेलल रेज आएंगी और डाइवर्ज कर जाएगी। इन्हीं को अगर आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये लगेगी कि किसी एक पॉइंट पर मैच कर रही है, यहाँ से आती हुई दिख रही है ना, तो इसको भी आप फोकस कहेंगे। तो इनमें से सबके साथ यही बात होगी, पैरेलल रेज आएंगी और डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से पैरेलल रेज आएंगी और डाइवर्ज हो जाएंगी, पैरेलल रे आएगी और डाइवर्ज हो जाएगी, ओवरऑल इफेक्ट जो होगा डाइवर्जिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, फैल जाएगी। दूसरा चीज इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना था कि R1 और R2 की वैल्यू कब पॉजिटिव कब निगेटिव। तो यहाँ देखिएगा, इस जगह पर ऐसे जा रहे हैं तो ये जो पार्ट है आपका, ये ऐसे करके इधर वाले किसी स्फीयर का पार्ट होगा जिसका सेंटर इधर बनेगा, मतलब इसके लिए रेडियस इस तरफ जाना है हमको, है ना। इंसिडेंट रे ऐसा है तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो इसके लिए R1 हो जाएगा पॉजिटिव और R2 ठीक उसका उल्टा इधर से आएगा, तो स्फीयर इसका इधर बनेगा, सो R2 विल बी निगेटिव। वही बात यहाँ है, ये वाला इस तरह का जो R आएगा पॉजिटिव साइन के साथ लिखिएगा, इस तरह का जो R आएगा निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ये जो R आए तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी आप प्लस लिखो माइनस लिखो, नो मैटर। इधर वाला जो R आएगा दिस विल बी उसी तरह से निगेटिव, क्योंकि इसका इधर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोनों का R1 R2 निगेटिव जाएगा, दोनों का जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो इसी साइड आएगा, सो R1 और R2 दोनों निगेटिव आप पुट करेंगे जब भी आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने की जरूरत होगी। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये सब निगेटिव, यहाँ इन्फिनिटी, ये निगेटिव, ये निगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव, ये निगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी समझ लीजिए, ये इस तरफ से आ गया तो रेज तो ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे के अपोजिट में आएगा R1, सो R1 निगेटिव हो जाएगा और R2 देखिए इसका इस तरफ बनेगा, सो R2 पॉजिटिव हो जाएगा। इधर भी आप देखिए, ये वाला इस तरफ है सो निगेटिव और ये वाला उस तरफ पॉजिटिव, ये इन्फिनिटी है और ये वाले का इधर चला गया मतलब पॉजिटिव, और ये वाले दोनों उधर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो आगे जहाँ पर एग्जाम्पल और आएगा तो हम आपको रिपीट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बस ध्यान में रखिए इन चीज़ों को, तो आगे मदद मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में, बिहेवियर ऑफ रेज विथ लेंस यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। लेंस की मदद से जब आप इमेज का फॉर्मेशन करोगे तो जो रेज का बिहेवियर होता है वो लेंस में किस प्रकार से हम लोग को होता है, तो ये जनरली तीन प्रकार के रेज को आपको स्टडी करना है। पहली रेज जो अगर ये बताती है कि अगर फोकस पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो वहां से अगर रे गई, है ना, तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको इस तरह से बेंड करेगा कि ये फिर इधर पैरेलल हो जाए। ठीक है, क्योंकि पैरेलल रे आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के चलिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, फोकस पर। तो उसी तरह से इसमें एक सेकेंड फोकस भी आ गया, इसको F2 कहेंगे। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखिएगा और रेज आएगी तो फिर क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आती है तो फिर ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पर काटेगी, या जिस पोजीशन पर काटेगी उसको क्या करना है, फर्स्ट फोकस। तो ये F1 हो गया और यहाँ पर इधर हो गया F2। ये F2 ऐसा पॉइंट हुआ जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें तो रेज जो है आपका रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो ये सेकेंड फोकस हो गया। तो लेंस में एक तरह से क्या होता है कि दो तरह के फोकस होते हैं, F1 F2, प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से भी नाम देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होगा
इधर से रे आ रही है तो प्राइमरी इस साइड में काउंट होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम लोग नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं, और कॉनकेव का उसी तरह से जब फोकल लेंथ लेने की बारी आएगी तो इसमें आपको निगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए पैरेलल रे आएगी तो इस तरह से डाइवर्स करेगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पोजिशन से आता हुआ लगे उसी को हम लोग को क्या करना है, प्रिंसिपल फोकस। तो ये एफ वन हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ से मेजरमेंट होगा तो इस तरफ आओगे सो एफ निगेटिव, और यहाँ से मेजरमेंट होगा एफ वन का उस तरफ सो एफ वन जो आएगी दूरी दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एक और रे की बात हुई थी, ये पी पॉइंट कहलाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, और इसकी क्या खासियत है कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए अगर कोई लाइट रे जा रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगी, वो सीधा लाइन में चली जाएगी, ठीक है। तो इससे ये मतलब समझिएगा कि जो ऑप्टिकल सेंटर का इलाका होता है ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जैसा ट्रीट करेगा, और लेंस यहाँ पर क्या करता है, रे को बेंड नहीं करता है। तो मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली कोई भी रे डेविएट नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं, ओके। तो वही चीज़ यहाँ भी दिखा रहे हैं, नंबर थ्री इस तरह से जा रहा है तो सीधे चला गया, और कॉनकेव में जैसा है पैरेलल आया तो डाइवर्ज कर गया। और इस तरह से कोई रे पहले से अगर जाए कि लगे कि ये देखिए सेकेंड फोकस के तरफ जा रहा है तो वो फिर रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसको एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से होके पास किया, तो अगर फोकस से होते हुए जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। वही चीज़ें यहाँ भी हो रही है, एक में रे पहले रिफ्रैक्शन के पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था और फिर जो ये मुड़ा तो फोकस को टच किया, तो उसी तरह से अगर पहले से ही फोकस की ओर था तो मुड़ेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, और ये सब रे डायग्राम आपको इमेज फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो हम आगे एक एक करके उसको देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग को यहाँ पर सम डेफिनेशंस के बारे में देखना है, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। तो लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग, कभी कभी किसी एग्जाम में आपको एक दो नंबर के लिए कहीं पर पूछ सकता है। जैसे ऑप्टिकल सेंटर, तो द ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट विद इन और आउटसाइड द लेंस एट विच इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्ट विदाउट डेविएशन इन इट्स पाथ, ठीक है। तो जैसा पिछले डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट था कि अगर वहां से रे अगर गुजरे तो वो बिना किसी डेविएशन के वो पार कर जाएगा, है ना, और ये जनरली विद इन ही रहता है, बट आउटसाइड भी कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है, बट आपको वो पढ़ना नहीं है, बट आप अपना विद इन से ही उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड वाले का टेंशन आप छोड़ दो, वो आपको पढ़ना ही नहीं है कि लेंस का ऑप्टिकल सेंटर आउटसाइड द लेंस कब होगा, ठीक है, उसको अभी आप छोड़ दीजिए, वो स्पेशल काइंड ऑफ लेंस होता है तो उसमें हो सकता है ऐसा। लेकिन आपको जो नॉर्मल पढ़ना है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, तो उसमें वो इनसाइड ही रहेगा और उसके थ्रू जब रे पास करेगी तो वो बिना किसी डेविएशन के पास करेगी। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर्स ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो दो इमेजिनरी जो आपने R1 R2 देखा था, तो वो करस्पॉन्डिंग जिस भी इमेजिनरी स्फीयर के वो पार्ट होंगे, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा, उसका जो सेंटर होगा, वही सब क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ए लेंस हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टू कर्व सर्फेसेस, एक इधर से था एक उधर से था, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका दो बनेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियाई ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट are called radii of curvature of the lens. A lens has two radii of curvature and these may or may not be equal. तो ये radii of curvature जो है R1, R2, ये जरूरी नहीं कि equal हो, equal हो भी सकते हैं, equal नहीं भी हो सकते हैं. Principal axis, the straight line passing through the optical center of the lens, which is perpendicular to the plane of the lens, is known as principal axis of the lens. तो जैसा हम लोग दिखाए थे पिछले फिगर में principal axis को, जो कि lens के plane से perpendicular होगा, है ना, और पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर होगा। प्रिंसिपल फोकस, तो लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकसेस, जैसा कि पिछले फिगर में देखा था आपने, कन्वेक्स लेंस के लिए बोथ आर रियल, वेयर एज फॉर कॉनकेव लेंस के लिए दे आर वर्चुअल, ठीक है। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना, तो ये तो रहेगा ही। एंड एपर्चर, तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, एपर्चर मिरर के लिए भी डिफाइन होता है, लेंस के लिए भी डिफाइन होता है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर बाउंड्री
ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एपर्चर, द इफेक्टिव डायमीटर जो भी आएगा। और मैथमेटिकली हम लोग ये मानते हैं कि एपर्चर का स्क्वायर है ना, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर। एपर्चर जितना ज़्यादा होगा उससे पास करने वाली जो इंटेंसिटी होगी लाइट रे की, उसके स्क्वायर के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर, ये याद रखिएगा। एंड एपर्चर इज नथिंग बट द इफेक्टिव डायामीटर। ओके, इफेक्टिव डायामीटर। अब चूंकि इंटेंसिटी होगा तो ओवरऑल जितना एरिया आपका बढ़ेगा उस हिसाब से आएगा, और एरिया में जो आप अगर डायमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, इसीलिए इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से सब थोड़ा थोड़ा डिफिनेशंस है, सिंपल सी चीज़ है, तो एक दो बार इसको पढ़ लीजिए, कभी कभी काम आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो वो भी उसी तरह से है जैसे पहले के साइन कन्वेंशन थे। देखिए फटाफट, आए बच्चों, अब साइन कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। तो वही है पहले के जैसा। पहली बात, वेन एवर एंड वेर एवर पॉसिबल रे ऑफ लाइट आर टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जहाँ तक हो सके आपको लेफ्ट टू राइट रे का ट्रेवल दिखाना है। और ट्रांसवर्स डिस्टेंस को जब मेजर करना है, ट्रांसवर्स डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब आपको मेजर करना हो कोई डिस्टेंस, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इसके बारे में जब आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसी को आप कहते हैं ट्रांसवर्स डिस्टेंस। तो उसे जब आप मेजर कर रहे होते, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव चलाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसेस मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जब हमको मेजर करना है, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरह की चीज़ें जब आप मेजर करोगे तो दे आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से आपको वो मेजरमेंट स्टार्ट करनी है और फिर आपके मूवमेंट का एक डायरेक्शन होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन। तो अगर आप लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर आप उस लाइट प्रोपगेशन के डायरेक्शन के अपोजिट मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देन दैट विल बी टेकन एज निगेटिव साइन। ठीक है, तो ऐसा हम लोग पहले भी करते थे। ठीक है, तो चलिए उसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे। अब जैसे एग्जांपल कहा, तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बन रहा है, हम लोग जरा उसकी बात कर ले और उसी में ये सब साइन कन्वेंशन को भी थोड़ा थोड़ा करके डील कर सकते हैं। तो जैसे देखो, केस वन है हमारे पास, इसमें जैसे हमने लिखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी का मतलब एट वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस, तो फिर कैसा आपको वहाँ पर फिगर बनेगा। तो जैसे ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस, और ये देखिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब बहुत दूर है तो रेज जो होंगी वो पैरेलल रेज आएंगी, तो नॉर्मली इसमें हम लोग इसी तरह से दिखा देते हैं, रेज आर वेरी मच पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और फिर ये जो यहाँ पर मुड़ेगी तो ये ऑलमोस्ट फोकस पर चली जाएगी। ठीक है, तो फोकस पर ही इसका इमेज बनेगा। ओके, तो फर्स्ट फोकस कह लो, सेकंड फोकस कह लो, उससे कोई बहुत मैटर नहीं करता। तो इसका इमेज कहाँ बना, एट फोकस। तो व्हेन द इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, साइज होगा बहुत ही छोटा, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बहुत छोटा होगा, तो वेरी वेरी डिमनिस्ट। ठीक है, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा वो साइज में, और चूंकि रियल में जाके मीट किया है सो नेचर ऑफ इमेज अगर हम देखें तो दैट इज रियल। ओके, रियल इमेज। और बाकी अगर आप इसको ठीक से एनालाइज करोगे तो वो इन्वर्टेड भी आपको, चूंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से दिखा दिया गया है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो होगा इन्वर्टेड इमेज होगा। ओके, सो इन्वर्टेड इमेज। ओके, तो मैग्निफिकेशन अगर यहाँ पर कोई पूछे तो दैट इज मच मच स्मॉलर देन, नेगेटिव में है ना, तो -1 इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ एम स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन्स हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैग्निफिकेशन तो मच मच स्मॉलर देन -1, माइनस स्टैंड करेगा कि इन्वर्टेड है, और एक से बहुत बहुत छोटा, क्योंकि आपके इमेज का साइज बहुत बहुत छोटा होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ये बहुत ही छोटा नंबर आएगा, और इन्वर्टेड होने की वजह से आप माइनस लगाते हो। ठीक है, सो -1 आप ऐसे लिख सकते हो एम की वैल्यू। बाद में हम लोग देखेंगे एम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू, वो आगे देखेंगे।
तो फिलहाल इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं इसको हम, एक तरह से और बना सकते हैं। जरा देखिए उसमें इन्वर्टेड इमेज आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए हमको दो रे की जरूरत पड़ेगी, एक रे हमारा ये इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करा दीजिएगा जो बिना डेविएशन के पास कर जाएगा, और दूसरी रे जो इसके पैरेलल आएगी उसको आप कहीं से गुजारो इस तरह से, है ना। और मान के चलिए कि ये फोकस से पास किया, ओके, इधर वाले फोकस से, और पैरेलल रेज है तो फोकस से पास करने वाली रे फिर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी क्लोज है, तो क्लोज है तो काफ़ी छोटा में ही बनेगा, ओके। तो आप इस तरह से इसका इमेज समझ सकते हैं। तो वही बात होगी, आपका बहुत ही छोटा इमेज आपका बनेगा और इन्वर्टेड इमेज जो है वो इससे साफ पता चल जाता है, ठीक है। तो इससे आपका इन्वर्टेड इमेज का पता चल जाता है। ये हो गया आपका केस वन। ऐसे ही केस टू केस थ्री डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख करके हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते जाएंगे। तो यहाँ तक देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग आगे देखते हैं केस टू केस थ्री केस फोर इस तरह से। तो केस टू में जैसे क्या हो गया, देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट लाइज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, तो इन्फिनिटी यहाँ कहीं दूर में हो गया और ये 2f हो गया, इस इन्फिनिटी और 2f के बीच में रहेगा। 2f क्या हुआ, तो फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस, फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस को जो पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग 2f कह रहे हैं। तो इस तरफ एफ 2f और इस तरफ एफ डैश और 2f डैश कह सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है कि लेंस में क्या होता है, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो एक तरफ को f कह दिया तो एक तरफ को f डैश और उसके डबल डिस्टेंस को 2f और फिर उधर भी 2f डैश कह दिया। चलिए इधर अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर है तो हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। एक रे तो आपको सीधा सीधा पैरेलल लेके जाना है और ये जब यहाँ पर डेविएट होगा तो इस फोकस से इस तरह से पास कर जाएगा, राइट। चलिए ऐसे पास कर गया। और दूसरी रे जो हमको लेके जानी है वो हमको ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाना है। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रे आपको पता है ये डेविएट नहीं होती, तो ये सीधा लाइन आपका चला जाएगा कुछ ऐसा, राइट। तो ये जो कुछ ऐसा लाइन गया तो ये इस, अब ये दोनों लाइन इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हैं, एफ डैश को ऊपर कर देता हूँ, ओके। तो ये दोनों लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा इमेज बन जाएगा, राइट। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, इसको सही करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप देखोगे अगर इसको एग्जैक्ट हम लोग सही से ड्रॉ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये 2f डैश से पहले आकर के हिट करेगा, 2f डैश से पहले आकर के हिट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कहीं पर इमेज बनाएगा, ठीक है। और अब इस इमेज के बारे में हमको लिखना है, तो दिस इमेज इज, पहली बात तो आप इसके नेचर के बारे में कह सकते हो रियल में कट किया है सो रियल है, दूसरी बात उल्टा बन रहा है सो इन्वर्टेड है, साइज में भी छोटा है ना, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इन साइज लिखेंगे, और जब छोटा है और उल्टा है तो माइनस वन से छोटा, मैग्निफिकेशन लेस देन माइनस वन, ऐसा करके आपको लिखना है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे U का मेजरमेंट होगा तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, वो कह दिया इसको, यहां से इस तरफ मेजरमेंट हो रहा है। तो देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ऐसे गया है, तो इस डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ आप यू का डायरेक्शन जो कर रहे हैं ये क्या होगा, निगेटिव। तो यू की वैल्यू अगर मेरे पास होगी तो हम लोग निगेटिव साइन को यूज करेंगे। वी का जो होगा हमारा यहां से यहां इस तरफ हो गया वी, एंड दैट विल बी योर पॉजिटिव साइन, ओके। और यहां पर एफ, एफ की बात करते हैं स्मॉल एफ, है ना, तो ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा, ओके। तो एफ इज पॉजिटिव, वी इज पॉजिटिव, यू इज निगेटिव, और इस तरह से आप समझ सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो सो पॉजिटिव एच ओ, और इधर जो आएगा वो नीचे की तरफ होगा सो दिस इज निगेटिव एच आई विल बी निगेटिव, इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार ये सारी बातें हो गई। सो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड इन साइज, मैग्निफिकेशन इज लेस देन माइनस वन। चलिए उसी तरह से अब यहाँ केस थ्री, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f, 2f पर एग्जैक्टली जब यहाँ पे खड़ा हो तो फिर आप अगर सही से रे डायग्राम को ड्रॉ करें, उसी तरह से एक रे पैरेलल लेके जाइए जो इस तरह से पास करें, तो यहाँ पर आप पाओगे
ये निश्चित रूप से इसी 2f डैश पर कट करेगा वहां पर, ठीक है। तो ये वाला जो इस तरह से जाएगी, ये एकदम 100% आप जब ट्रू डायग्राम सही से ड्रॉ करेंगे और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो आप पाएंगे कि एकदम इधर का 2f तो उधर भी 2f डैश पे बनेगा, और जितना भी यहाँ पर साइज होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही बराबर बराबर साइज होगा इमेज का। तो इमेज यहाँ पर भी आप कह सकते हो। अच्छा, ये बना कहाँ पर, पोजीशन की अगर इसमें बात करें, चौथा नंबर पोजीशन, तो आप इसको लिखेंगे बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, ठीक है। फोकस और जो उसका डबल लेंथ है उसके बीच में कहीं पर आपको बनेगा, ओके। बाकी कहाँ एग्जैक्टली होगा तो उसके लिए तो जब हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां उस फॉर्मूले को अप्लाई करके तब निकालेंगे, ओके। तो अभी इमेज इज व्हाट, रियल इन्वर्टेड अभी भी है और यहाँ पे इक्वल इन साइज हो जाएगा, ठीक है, इक्वल इन साइज, लेकिन इन्वर्टेड है इसीलिए माइनस वन इक्वालिटी के साथ ऐसे लग जाएगा, ओके। और कहां पर बन रहा है, तो एट 2f डैश, तो डबल ऑफ द फोकल लेंथ, ओके। यहां पर भी उसी तरह प्लस माइनस की बात करो, आप इधर से उधर जा रहे थे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, लेकिन u के मेजरमेंट के लिए आपको इस तरह से वापस आना आएगा, आप वापस आना होगा, सो u इज निगेटिव। इधर जाना है आपको तो ये फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, और इमेज के लिए भी उधर ही जाना होगा, सो इमेज डिस्टेंस भी इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओके। तो इस तरह से आपको चीजें मिल जाएगी, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, O या P कुछ भी नाम आप दे सकते हो। इसमें देखिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन 2f एंड f, ओके, 2f एंड f के बीच में आएगा, तो इस बार क्या होगा, 2f डैश से बाहर चला जाएगा, 2f और f के बीच में अगर आएगा तो क्या होगा, 2f डैश से बाहर बनेगी। डायग्राम इसी तरह से बनाना है, ऐसे करके आएगा, ऐसे बाहर को जाएगा, ठीक है। फिर एक ले लेना है ऑप्टिकल सेंटर और इसी को बढ़ाते हुए जाएंगे तो इधर कहीं पे कट कर जाएगा, ओके। ये भी आपका रियल होगा, और अब आपका इमेज इनलार्ज होना शुरू हो गया, मैंने ऑब्जेक्ट की साइज से अधिक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ भी आप लिखेंगे तो इमेज इज रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड इन साइज, और इनलार्ज्ड होते ही इक्वालिटी हटके अभी माइनस वन था, अभी ग्रेटर साइन आ जाएगा और उल्टा ही बन रहा है, इसलिए आपको माइनस वन देना पड़ेगा, ठीक है। एम इज ग्रेटर देन माइनस वन, और कहाँ, तो लिखते हैं बियॉन्ड 2f डैश, दैट इज बिटवीन 2f डैश एंड इन्फिनिटी, है ना, इधर जो दूर कहीं इन्फिनिटी आएगा उनके बीच में चला जाएगा, ओके। तो ये केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर यहाँ तक हो गया, इसी तरह से आगे के केसेस भी हैं, जल्दी से देखते जाएं। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस फाइव। तो यहाँ पर अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज, कहाँ पे रखना है, फोकस पर रखेंगे, इधर 2f और f के बीच में रख चुके थे, तो लाइज एट फोकस, ठीक है। तो कहाँ बनेगा इमेज, तो देखिए फोकस पर रखेंगे, ये रे इस तरह से ऐसे पास कर गई, और दूसरी जो रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो भी इस तरह से ऐसे ही पास कर जाएगी सीधा सीधा। तो क्या देखेंगे ना कि ये दोनों अगर आप एग्जैक्टली ड्रॉ करो तो दीज आर पैरेलल रेज, ये हो जाती है एक दूसरे के पैरेलल, ओके। तो ये कन्वर्जिंग तो है नहीं कि कहीं जाकर के मिल जाए, डाइवर्जिंग भी नहीं है जो पीछे खींच के मिला दे, तो ये क्या हो गया, एक तरह से पैरेलल रे हो गया। पैरेलल रे के बारे में हम यही कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेगी, मतलब बहुत 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 दूर दूर डिस्टेंस पे जाकर के मिलेगी, तो इमेज भी आपका एट इन्फिनिटी आ गया। तो इमेज हम लिखेंगे यहाँ पर, रियल तो बनेगा, ठीक, दूसरा आपका इन्वर्टेड भी होगा, और मैग्निफिकेशन इन्वर्टेड होने के चलते मच मच ग्रेटर देन माइनस वन, और क्योंकि ये वेरी वेरी इनलार्ज्ड होगा, वेरी वेरी इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा होगा साइज में। और पोजीशन, पोजीशन की बात करें तो एट इन्फिनिटी, है ना, मतलब कि वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत बहुत दूर आपका बनेगा ये,
ओके चलिए केस सिक्स की बात करते हैं। तो यहां पर अब हमारा ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए दिखाने के लिए ये आपको इतना थिकनेस दिखाया जाता है, लेकिन सिलेबस में पढ़ने के लिए आपको थिन लेंसेस ही पढ़ने हैं, पतले वाले लेंस ही पढ़ने हैं। सो ध्यान रखिएगा, ओके थिन लेंसेस ही पढ़ने होते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का कहाँ रखना है इस बार, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर, इसके बीच में एफ और ओ के बीच में कहीं पर रख दिया। तो व्हेन ऑब्जेक्ट lies between focus and optical center, focus और optical center के बीच में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो रेज जो जाएंगी इस तरह से जाएगी, है ना, इधर f dash हो गया, ये 2f dash हो गया, ऐसे यहाँ पर ये ऐसे बना के ले जाओ, ठीक है। और ये रे जो ऐसे सीधे जाएगी, अब ये हो जाएगी आपको डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज मतलब आगे को जाएगी तो फैलते हुए जाएगी, ठीक है, वो फैलता चला जाएगा। तो जब ये इधर फैलता जाएगा तो मिलने से तो रहा, मिलेगा नहीं, लेकिन यही अगर पीछे को बढ़ा देंगे तो पीछे तो इनकी डिस्टेंस कम होती जाएगी ना, तो ये पीछे कहीं ना कहीं जरूर जा करके मिलेगा और फिर यहाँ पर आपका ये इमेज दिखेगा। तो यहाँ पर अब जो हम लोग ये इसको थोड़ा सा स्टार भी कर देना और वीवीआई भी कर देना, इस केस को अक्सर एग्जाम में या यहाँ वहाँ आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सो इमेज इज, चलिए इस बार अब आपका रियल नहीं बन रहा, वर्चुअल बन रहा है और इन्वर्टेड नहीं बन रहा, सीधा बन रहा है, तो इरेक्ट बोलेंगे उसको। और मैग्निफिकेशन की बात करें, और इलाज तो बन ही रहा है, बड़ा बन रहा है, और मैग्निफिकेशन इस बार आपका पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन वन आप दिखाएंगे, ठीक है। और कहाँ बना, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है ना उसके ठीक पीछे, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देते हैं सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस बार दूसरी साइड नहीं मिलने बनने वाला, केस फाइव तक हमेशा इमेज दूसरे साइड बन रहा था, इस बार इमेज उसको सेम साइड बनेगा जिधर ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, ऑब्जेक्ट जहाँ है उसके पीछे, बाकी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इनलार्ज्ड होगा, एंड आई मीन ग्रेटर देन वन आप लिखेंगे, है ना, एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक। यहाँ पर अगर आपको लगाना होगा साइन कन्वेंशन तो उसको फटाफट देख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ से इधर आ जाएंगे यू, यू विल बी निगेटिव क्योंकि इधर से रे जा रही थी, तो दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। बाकी का ये डायरेक्शन जो एफ का होगा, ये जो ऐसे नापोगे, दिस एफ इज पॉजिटिव, एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा, एकदम दिमाग में बिठा लो इस बात, ओके। और बाकी इमेज जो था वो इन्फिनिटी पर ही बना था, तो जो वी भी आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा उधर इन्फिनिटी पर। इसमें देखो ध्यान से, और ये ऊपर में पॉजिटिव और उधर नीचे जाएगा तो निगेटिव। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर करते हैं, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है यू, यहाँ उसी तरह से निगेटिव क्योंकि इधर से उधर जा रहे थे तो पॉजिटिव आता, तो फोकल लेंथ ये वाला हो गया, सो एफ इज पॉजिटिव, है ना, सेम डायरेक्शन में जाना है, ओके। और इमेज देखिए वो तो इधर आया है, इमेज भी इधर ही आ गया, आ गया तो इस तरफ आना है, तो निगेटिव, ओके निगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज देखिए दोनों ऊपर की तरफ है, सो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर मेजरमेंट होगा पॉजिटिव साइन, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर मेजरमेंट होता निगेटिव साइन, ठीक है, तो इस तरह से बात आ जाती है। और मैग्निफिकेशन आपको बार बार बता रहा हूँ, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज वो भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और वन पॉजिटिव, तो एम पॉजिटिव ही आएगा, एंड दैट इज ग्रेटर देन वन है यहाँ पे, चूंकि लास्ट है एंड पॉजिटिव साइन के साथ है, तो कोई निगेटिव आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो उसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। एक और क्या करिएगा, इसमें बिल्कुल सटा दीजिए ऑप्टिकल सेंटर पे, तो वहां सटाइएगा तो वहीं पर बना देगा, ठीक है, तो केस नहीं पढ़ना होता है। तो अगर आप एकदम ऑप्टिकल सेंटर के पास मिलने जाएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर पर ही माना जाएगा, तो उसको नहीं पढ़ना है, उसको इसलिए छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। अब इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन, तो उसी तरह से अब आपका कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। और कॉनकेव लेंस के द्वारा जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो
फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, अच्छी बात है, इतने सारे केसेस उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। उसके जनरल दो ही केसेस हैं, आइए उसको फटाफट देख लीजिए। आए बच्चों, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बाय कॉनकेव लेंस। केस वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आपने इसको रख रखा है, बहुत दूर, ठीक, एट इंफिनिटी। तो क्या होगी, यहां से आने वाली रेस पैरेलल ही होंगी, है ना। अब पैरेलल होने के चलते ये दोनों का बिहेवियर तो बिल्कुल एक जैसा ही होगा, इस तरह से पैरेलल ही चली जाएगी। तो ना उधर मिलने वाली है और ना इधर मिलने वाली है, लेकिन एक चीज तो है ना कि ये जो आएगी, सॉरी, पैरेलल रेज है तो इसका क्या होगा, पैरेलल रे हमने पढ़ा ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो डाइवर्ट करने के बाद कहां से आता हुआ लगेगा हमको, फोकस से, हाँ, यहां पर जो आएगी ना ये अब पैरेलल नहीं रहेगी, सॉरी, यहां पर देखो ये चूंकि ये अलग जगह पर इंसिडेंट हुआ है ना, तो ये आपको कम डेविएट करेगा, और ये इसका डेविएशन इस तरह से होगा कि इसको भी पीछे की ओर बढ़ाने पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये फोकस से ही पास करे। तो नियम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आती है तो वो डाइवर्ज इस तरह से करेगी कि पीछे बढ़ाने पर वो एक प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से आता हुआ लगेगा वही है आपका फोकस, प्राइमरी फोकस, तो ये फोकस से ही पास करेगी ये भी। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग हाइट पर जब इंसिडेंट होती है लाइट रे तो इनके डेविएशंस भी फिर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जैसे आया तो यहाँ पर का डेविएशन देखिए इतना सारा है, और यहाँ पर का डेविएशन जो है वो कम है। आप जितनी ज्यादा हाइट पर रहेंगे उतना ज्यादा इसका डेविएशन बनता है, ठीक है। तो वो फिगर वगैरह ड्रॉ करने से वो सब क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली वैसे अगर जानना चाहें तो डेल्टा इक्वल टू ये h बाई f कुछ इस तरह का फॉर्मूला चलता है। तो जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा, तो हाइट अगर ज्यादा है तो डेविएशन भी ज्यादा होगा। सेम थिंग कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी ट्रू है। तो हम लोग वो आगे आने वाले टॉपिक, आगे आने वाले जो रिलेटेड टॉपिक्स होंगे या चैप्टर्स हैं, तो जब और डिटेल एनालिसिस आप लेंस का करेंगे तो उसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई, यहाँ पर ये कम हाइट पर है तो इसके लिए जो डेविएशन होगा वो भी कम होगा। ये डेल्टा डैश कर देता हूँ, तो डेल्टा डैश इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो हाइट है यहाँ पर वो हाइट कम हो जाएगा, बाकी फोकल लेंथ रिमेंस द सेम एंड दिस इज योर फोकस। तो यहाँ पर फोकस जो होगा वो निगेटिव होगा, हमेशा याद रखिएगा कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। चलिए, तो इन्फिनिटी पे रखा तो ये इस तरह से गया और ये यहाँ पे फोकस पर बनेगा। सो इमेज इज एक नंबर में तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है, वर्चुअल है, ठीक है, और डिमिनिश्ड इन साइज और बहुत बहुत छोटा होता है ये, बहुत बहुत छोटा, और चूंकि सीधा ही रहता है ये उल्टा नहीं बनता तो इसलिए प्लस में ही रहेगा। एम इज मच मच स्मॉलर देन वन, ऐसे आप लिखेंगे, है ना, और इरेक्ट होगा, सीधा होगा ये, और कहाँ पर बन रहा है तो एट फोकस, ठीक है। तो इस केस में ऐसा हो गया, बाकी इसमें एक ही केस और पढ़ना है, केस टू, उसको यहीं पे देख लो, ये इस तरह से। तो इस बार आप इसको रखिए ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, तो कहीं भी अगर आप रखिए तो रेज जाएंगी, इस तरह से डेविएट हुई, फोकस से आता हुआ इसको लगा, और दूसरी रे हम लोग ले लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए। ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा बिना किसी डेविएशन के, सीधा सीधा पास कर जाएगा, तो यही पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ पर हिट करेगा, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो इमेज की प्रॉपर्टीज होगी वो इमेज इज क्या होगा, वर्चुअल तो है ही, देख सकते हैं आप, और डिमिनिश्ड भी है, छोटा है, है ना, डिमिनिश्ड इन साइज, और आप इसमें देख सकते हैं कि ये सीधा है, इरेक्ट है, और चौथा है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल, ठीक है।
चलिए बच्चों, अब हमको इसमें बात करना है थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के अनुसार कि साइन कहाँ पर आप पॉजिटिव कहाँ पर निगेटिव देंगे, तो उसके लिए एक बार फटाफट देखिए। जैसे साइन कन्वेंशन के अनुसार ये देखिए, रे ऐसे जाएगी तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इधर आपने इन्फिनिटी पे ले रखा है तो वो ऑफकोर्स माइनस होगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी लिखो या प्लस इन्फिनिटी लिखो फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ दो। आपका जो इमेज बन रहा है वो भी इधर ही बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो दिस विल बी निगेटिव, एफ विल बी निगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अगर है जो लिखना है तो माइनस इन्फिनिटी लिख सकते। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए इसी तरह से ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरफ आ रहा है तो निगेटिव हो गया, क्योंकि रे अभी भी इधर से उधर जा रही थी तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो उधर से इधर आना है आपको यू के मेजरमेंट के लिए निगेटिव, एफ के मेजरमेंट के लिए भी आपको देखिए उधर से इधर ही आना है, सो निगेटिव। जैसे आपको बताए कि कॉनकेव लेंस होगा हमेशा फोकल लेंथ निगेटिव, याद रखिएगा। और जो इमेज आपका डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये भी आपका हो जाएगा निगेटिव, ठीक है, इधर ही आ रहे हैं आप भी के मेजरमेंट के लिए, तो वो भी निगेटिव हो गया। बाकी ऊपर की तरफ है आप देख सकते हैं एच नॉट, तो वो भी पॉजिटिव, और एच आई वो भी ऊपर की तरफ है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका एच आई वाई एच नॉट वो भी हमेशा रहेगा, सो दोनों ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, इसीलिए वो आप देख सकते हो साइन यहाँ पर पॉजिटिव ही लगा है। और ये डिमिनिशिंग साइज है, यहाँ पर आपको लिखना हो तो एम लेस देन वन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि दोनों प्रकार के जो भी लेंसेस हैं उनसे जितने तरह के पॉसिबल केसेस में इमेज बन सकते थे, और उन इमेजेस में जो साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन है वो आपने यहाँ पर आराम से देखा। अब इसके बाद के जो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होंगे और वो लेंस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये वाला जो वीडियो लेक्चर था लेंस का, ये आप 10th क्लास में भी काफ़ी सारे बच्चे इससे परिचित होंगे, है ना, तो आपका एक तरह का पहले रिवीजन कर लिया जाए लेंस का, ये आपका एक तरह से रिवीजन हो गया जो आपने पहले भी 10th क्लास में पढ़ा था, और अब इन्हीं सब को आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ तक फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यहाँ तक अच्छे से क्लियर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।